हे गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं एक पोटली बैग। शॉर्ट वीडियो में आपको देख के पता चल ही गया होगा कि कितना प्यारा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है कुछ फैब्रिक्स, कुछ लेस, एक मैचिंग का थ्रेड, एक छोटा सा पाउच और साड़ी में मिलने वाला ये फॉर्म। और इस फॉर्म को मैंने इसमें यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। रेड कलर के फैब्रिक के साथ मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर दिया है। और ये मेरे पोटली बैग का बेस है, नीचे का देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैंने अंदर के फैब्रिक के साथ एक पाउच को अटैच किया है, जिसमें मैं अपना कॉइन्स वगैरह छुपा के रख सकती हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से मेजरमेंट लेके मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया है। और इसके साथ मैं अपना लेस अटैच करूँगी। और ये है मेरा लुक कि इस तरह से मैं पोटली बैग में अपना लेस को अटैच करूँगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको लेस को अच्छे से अटैच करना है, क्योंकि यही आपका मेन लुक है। और यही सब लेस से आपका जो पोटली बैग है वो और भी प्यारा लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे अटैच किया है, और जितना हो सके शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ में आता होगा। फिर मेन फैब्रिक को और अंदर के फैब्रिक को मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है, और फिर उसे मैंने यहाँ पर इस बेस के साथ अच्छे से अटैच कर दिया है। और थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लेके यहाँ पे आपको स्टिच करना है, देख सकते होंगे आप वीडियो में। फिर इसे फ्लिप करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसे कट कर दीजिए, और जितना हो सके अच्छे से फिनिशिंग दीजिए, तभी आपका बैग और भी प्यारा लगेगा और भी अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं इस वीडियो में, अगर आपको जो भी समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट करिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आता होगा। और देख सकते हैं यहाँ फ्लिप करने के बाद फिर यहाँ पर मैं एक छोटा सा कपड़ा कट करके और यहाँ डोरी डालने के लिए बनाऊंगी, और उसके बाद मैं उसे हाइड कर रही हूँ एक लेस के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये डोरी डाल दिया है। ये डोरी आपको 5 से 10 रुपए मीटर मिल जाएगा मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। फिर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप कट करके और उस लेस के साथ ही मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप बना रही हूँ बैग को कैरी करने के लिए, और इसे मैं अच्छे से यहाँ पे अटैच कर दूँगी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छे से इसे अटैच करना है, और 4 से 5 बार आपको इसमें सिलाई करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से अटैच होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बैग का वेट है वो सारा यही रखने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा लास्ट में फाइनल लुक आया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।